सो हाय हेलो नमस्कार और आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ फिर से एक और बार स्टूडेंट फरमाइश पे। मैं शाम को देखा, मैं हमेशा हर शाम को चेक करता हूँ इंस्टाग्राम, तो सवेरे से काफ़ी सारे मैसेजेस जो है एक ही टॉपिक पे अचानक सा आने लगे हैं। आई थिंक करीबन 20 से 25 मैसेजेस मेरे को इंस्टाग्राम पे इसी टॉपिक पे मिला है कि सर SBI क्लर्क का नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगा। मैं SBI क्लर्क नोटिफिकेशन के ऊपर बोलूँगा, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को कुछ बोलना चाहता हूँ। आज शायद हम सबको पता चल गया कि इंसान की फितरत क्या होती है, इंसान कैसे सोचता है, इंसान कैसे चीज़ों को रिएक्ट करता है। आज इसी बात से आप समझ जाएंगे। जब हमारे पास सब कुछ होता है ना दोस्तों, सब कुछ, तब हमको वो नज़र नहीं आता है, हमको वही नज़र आता है जो हमारे पास नहीं है। शायद समझ गए मैं क्या बताना चाहता हूँ। आज हमारे पास IBPS RRB की नोटिफिकेशन है, आज हमारे पास IBPS RRB क्लर्क का नोटिफिकेशन है, आज हमारे पास IPS RRB PO का नोटिफिकेशन है, IPS क्लर्क का नोटिफिकेशन है। इतने सारे वैकेंसीज हैं, इतने सारे बड़े बड़े एग्जाम्स हैं, लेकिन हमको वो नज़र नहीं आ रहा है। कब? जब ऑलरेडी उसका एडमिट कार्ड भी जारी हो चुका है, लेकिन हम उसके बारे में सोच रहे हैं जो हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में जो एडमिट कार्ड है, जिसकी एग्ज़ाम हम लिखने जा रहे हैं, उसके बारे में हमारे जहन में नहीं आ रहा है। हम उसी के बारे में सोच रहे हैं जो हमारे हाथ में फ़िलहाल के लिए नहीं है। ये इंसान की फितरत है। मेरा कहना ये है दोस्तों कि SBI क्लरिकल नोटिफिकेशन यस, ये कभी भी आ सकता है, लेकिन प्लीज़ फॉर गॉड सेक, हम बार बार अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। मेरे वीडियोज़ बनाने का क्या मोटिव है अब बताइए आप। मेरे वीडियोस बना के मैं आप सभी को क्या बताना चाहता हूँ? हमेशा यही बताना चाहता हूँ दोस्तों कि जब देखिए जिस प्रकार से ना आप मेरे इस वीडियो को सुन रहे हैं, आप बस मुझे ही सुन रहे हैं, है ना। तो इसी तरीके से, क्योंकि आपके दिमाग में अभी कुछ नहीं चल रहा है, आपके दिमाग में बस मेरा आवाज़ ही पहुँच रहा है, बिल्कुल इसी तरीके से दोस्तों ज़िंदगी भी ऐसी होनी चाहिए। कोई डिस्ट्रैक्शन हमको सुनाई नहीं देना चाहिए, बस हमें अपने प्रेजेंट में रहना है और हमें काम करते जाना है। जो इम्तिहान आगे होगा उसी के लिए हम तैयार खड़े होंगे, उसी के लिए हम एग्ज़ाम देने के लिए तैयार खड़े रहेंगे और अच्छा भी करेंगे, क्योंकि हम प्रिपरेशन अब ये कर होता है ना कि जब कुकिंग की प्रोसेस होती है तो आवाज़ बहुत इधर उधर सुनाई तो देगा ही, है ना। लेकिन जब उसका जो प्रोडक्ट होता है जो टेस्टी, तभी हो पाएगा जब आप उस कुकिंग के प्रोसेस में पूरा के पूरा इन्वॉल्व होंगे। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जब आकाश यादव सर ने ये प्रेडिक्शन दे दिया है कि 21 सितंबर को, शायद उनका ये कहना था 21 सितंबर को एग्जामिनेशन हो जाएगा, तो उनकी बहुत सारी बातें ऐसी है जो सच हुई है। तो प्लीज़ हमें उनके बातों पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री में भी उनकी बातें सच्ची हुई है। तो हमें अपने प्रिपरेशन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए बजाय कि गोइंग ऑन टॉकिंग एवरी टाइम कि नोटिफिकेशन कब आएगा, क्या होगा। इसी नोटिफिकेशन आएगा, फॉर्म भर लोगे, तो क्या यही आपकी बिगेस्ट अचीवमेंट होगी? नहीं ना। फॉर्म भरने के बाद, एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद वही आपकी बिगेस्ट अचीवमेंट होनी चाहिए। तो जितना भी मैं कुछ कह दूं, जब तक आप अपने जहन में नहीं बिठाओगे कि मुझे प्रेजेंट में रह के जो भी एग्ज़ाम मेरे सामने खड़ा होगा, मैं उस एग्जामिनेशन के लिए मैं तैयार हूं, तब तक आपको कोई मोटिवेट नहीं कर सकता, कोई भी मोटिवेट नहीं कर सकता, सिवाय आप अपने आप को मोटिवेट कर सकते हो। तो अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, क्वेरीज भेज सकते हैं, और SFY_आशीष मेरा यूज़र हैंडल है। मैं आप सभी से नेक्स्ट वाले वीडियो पे मुलाकात करता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शब्बा खैर, लव यू, लव नशीहत का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। नमस्कार।